नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोलबिल मिरर, हर पल आपके साथ। प्यारी सात संग जी, आज हम लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जो कि एक साल पहले गुरु ग्रंथ साहब के टीचे हैं, जिसमें अर्थ भी है, एक साल पहले दिए गए थे और संगत को उपलब्ध किया गया था। आज अपना अपना सहज पाठ हम लोग आरम्भ किए, बहुत सारे संतों ने सहज पाठ आरम्भ किया और आज उसकी हम इस जगह में एक ही साथ कर रहे हैं, ब्राकर गुरुद्वारा में, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एक तरफ वाणी लिखी हुई है और एक तरफ अर्थ लिखे हुए हैं, जो कि गुरमुखी भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी है। क्योंकि जो ग्रंथ साहिब में वाणी लिखी हुई है वो हमें क्या समझा रही है, उसके दूसरे पेज पर उसके सारे अर्थ लिखे हुए हैं। तो हम लोग जो चाहते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिसमें कि 35 महापुरुषों की वाणी है, ये खाली सिखों के गुरु नहीं है, इसमें शेख प्रीत जी की वाणी है, इसमें बंगाल की जयदेव जी की वाणी है, इसमें कबीरदास जी की वाणी है, इसमें सूरदास जी की वाणी है, इसमें सिर्फ 6 गुरुओं की वाणी है, बाकी सारे दूसरे स्टेट के, दूसरे इलाकों के भाषा वाले इसमें हैं। इनकी भाषा जो है, इनके शब्द जो है, जिसमें अहम भाव मैं भाव नहीं है, जिसमें जो कुछ है सो तुम्हारा, वैसे शब्दों को लिए के ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तैयार किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कंटिन्यू पाठ करने से उसमें 48 घंटे का समय लगता है और 1430 इसके अंग हैं। हम लोग पेज नहीं कहते, उसके बॉडी पार्ट्स कहते हैं, अंग कहते हैं। तो इसमें जो है 31 राग है, जो कीर्तन आप लोग श्रवण करते हैं, कुछ कीर्तन बिना राग का होता है, भारतवर्ष में जितने भी राग है उसमें से 31 राग की इसमें वाणी है। तो इनको एक ग्रंथ का रूप दिया गया, श्री गुरु अर्जुन देव जी जो थे इनको जो ग्रंथ का रूप देंगे, और आज के दिन यही महीने में जो कि गुप्ता गति, जो कि गुरु का दर्जा दिया जाता है, पहले 10 गुरु साहिबान हुए हैं, 10 गुरु साहिबान में जो मैसेज है सिख को त्याग करने के लिए, गुरु नानक देव जी ने 239 साल का समा दिया, उसमें 10 कोर्स कराए गए थे। श्री गुरु नानक देव जी ने वहाँ परम दूर किए, श्री गुरु अंगद देव जी ने हुक्म की पालना, श्री गुरु अमरदास जी तरह तरह के जिन्होंने कोर्स करा के लास्ट में फाइनल जो है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुता गति गुरु की पदवी दी गई है, उसी सिलसिले में आज हम लोग जो संगत को एक साल पहले दिया गया था आज उसकी संपूर्णता होगी। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या मैसेज देते हैं कि दुनिया में जाए, सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है, लेकिन हम लोग की बहुत सारी कमजोरी रहियाँ हैं,
कि हम लोग को अपने नहीं समझे और हम लोग दूसरे को क्या समझे। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल प्रबंधक कमेटी बराकर की ओर से ये उपराला किया गया कि नहीं, जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है उसको समझाने का एक नया तरीका हम लोग अपनाए हैं, जिसमें श्लोक महला नौवा जो है श्लोक महला नौवा का समाप्ति के टाइम पढ़ाया जाता है, आज उसी का आज इस प्रोग्राम में कहां कहां से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आजकल जितने भी चित्रंजन है, आपका रानीगंज है, इधर बराकर, कोमलडुबी, मीनापुरी और आसनसोल, ये सब जो है छोटे लागे लागे जो इलाके हैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे से, उसमें से सारे आए जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब के जो स्वरूप थे, जो चार भागों में थे, इसमें अर्थ लिखे हुए वो दिए गए जी। तो ग्रंथ का बात करें, उसका मैसेज क्या आज के डेट के लिए, क्या मैसेज? आज के लिए मैसेज है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को जो वाणी है सुनने के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए है। जितने भी भारत वर्ष में विचार है सबके ही गुरु है, अगर सोचे सारी जातियों अहम भाव करनी है, जो मेरा बोल के कुछ नहीं है, जो कुछ है सामने पेश करेंगे सबका भारत चले। अगर हम लोग उनकी बातों को पूर्ण करते हैं उनका मन यहाँ सब आदमी आगे बढ़ रहे हैं। आपका नाम पढ़े, इसीलिए आज सहज पाठ की समाप्ति हुई है। कितने लोगों ने पढ़ सकते?
तकरीबन 150-200 लोगों ने साहेब पार्टी की सफलता की है और आगे भी एक दो हफ्ते ये कार्यक्रम हम लोगों का अलग अलग जगह में कुमार टूपी रानी में जासूसी में चलेगा। तकरीबन 500 की गिनती में लोग साहेब पार्टी की सफलता करेंगे। आप तो बहुत एक्टिव हो, सोशल वर्क करते हो, रानी को आपने पढ़ा, इस मिशन को लेकर अपना लाइफ पार्टनर बनाते हैं। देखिए गुरबाणी कहती है आप जपे अधरा काम जपा रहे, गुरबाणी कहती है सेवा दर्द हुए थे कामी ताको बहुत प्राप्त स्वामी, गुरबाणी कहती है बीच दुनिया सेव कमाई है ता दर्द पैसा पाई है। अगर मैं दुनिया की सेवा करूँगा क्योंकि हम लोग रब को परमात्मा को गुरुद्वारा मस्जिद और मंदिर में खोजने का प्रयास करते हैं पर जो रब है ना वो सब में है, सब में योग है स्वयं। हमें परमात्मा को हर एक के अंदर में देखना होगा और हर एक की सेवा करनी होगी। ये गुरबाणी का जो संदेश गुरु नानक साहब ने दिया था कीरत करो भाव कि आप सच्ची सच्ची ईमानदारी से आप काम करो क्योंकि लोग घर छोड़कर ठंडे हो गए थे। गुरु साहब ने कहा कीरत करो नाम जपो और बांट छको और बांट के खाओ ताकि ये जो आज सोसाइटी की बात होती है पूरे विश्व में यूएनओ प्रचार करता है कि भाई इक्वलिटी होनी चाहिए, तो इक्वलिटी का संदेश जो है गुरु नानक साहब ने 550 साल पहले दे दिया था उस संदेश को मानते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि दुनिया के काम आ सके। जो वही मैं पूछ रहा है जो लोग उसको भूल नहीं पाए जैसे कि आपकी सिक्योरिटी है उसके बारे में मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई कभी ना कभी तो आपको जरूरत पड़ेगी। आज हो सकता है आप थोड़े दूर हो क्योंकि ये जरूरी नहीं कि विद्यार्थी स्कूल में जाए और विद्यार्थी फर्स्ट आए तो फेल भी होते हैं तो पर वो विद्यार्थी तो है आज नहीं कल नहीं उन्हें सोची आएगी। गुरु के संदेश के साथ जुड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। गुरु का संदेश ही हमें असली जीवन बता सकता है। आपका नाम गुरविंदर सिंह सचिव।